सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग जो तितली और कली नामक पाठ था उसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि कविता से पहला शीर्षक है कविता से, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, तितली कली के पास क्यों गई थी। तो हमने कविता में जैसा कि पढ़ा था, तितली कली के पास क्यों गई थी, तितली कली के पास खेलने गई थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिख देंगे, तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने गई थी, ठीक है ना। तो मैं इसको आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखना है। तो ये देखिए, मैंने इसका ये उत्तर लिख दिया है, तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने गई थी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, तितली, देख लीजिए, तितली और कली ने क्या खेल खेला। तो तितली और कली ने क्या खेल खेला था, क्यों, जब जैसे ही उसने खिल गई थी कली, तो क्या हुआ थी, हवा के साथ बहने लगी थी और तितली उसको छूने लगी थी, उसके पीछे पीछे चलने लगी थी। मतलब वो क्या खेल खेल रहे थे, छुआ छुअल या पकड़म पकड़ाई, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, जो अपनी भाषा में जिस ये छूने वाले खेल को जो भी अपनी भाषा में जो बोलते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन जैसा कि हम आप लिख रहे हैं तो आप भी उत्तर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो तितली और कली ने क्या खेल खेला, तो लिख दिए, तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला या छुआ छुअल का, जो भी आप बोलते हो वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला, इस तरीके से लिख देंगे। अगला प्रश्न है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई। तितली ने क्या कहा था जिससे कली खुश हो गई थी। तो तितली द्वारा खेल खेलने की बात पर कली खुश हो गई थी ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, तितली द्वारा खेल खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो ये देखिए लिखा हुआ है, तितली द्वारा खेल खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गए। तो इस तरीके इनके हम उत्तर लिख देंगे। अगला शीर्षक है अंदाजा लगाओ। आपको अंदाजा लगाना है यहाँ पे, तो अंदाजा लगाओ में पहला प्रश्न है, तितली कली के पास कब गई होगी। तो कब गई होगी, तो तितली कली के पास सुबह गई होगी, क्योंकि वो जगा रही थी ना उसको, यहाँ पे लिखा ना जगा कर खेलने गई थी ना, तो सुबह के वक्त गई थी। तो यहाँ पे टिक लगा देंगे सुबह, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया। तो समय का अंदाजा हमने कैसे लगाया था, तितली क्या कह रही थी, उससे उसे आंखें खोलने के लिए कह रही थी ना। तो इसी से हम समझ में आ गया था कि ये सुबह का वक्त होगा, क्योंकि वो सो रही होगी, तो ये सुबह का वक्त था। तो इसका भी उत्तर हम देखो कैसे लिखते हैं, वो आप लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है, मैंने तितली कली से जागने और आंखें खोलने की बात कह रही थी, इससे हमें सुबह के समय का अंदाजा लग गया, ठीक है ना। तो वो उससे कह रही थी ना कि क्या कह रही थी, अब जागो तुम, आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, ये ना बोल रही थी ना। इससे पता चलता है कि वो सुबह के समय तितली आई थी, क्योंकि सभी जो पेड़ पौधे होते हैं और पशु पक्षी, वो सब कब उठते हैं, सुबह ही उठते हैं, और सुबह उसको जागने के लिए बोला जाता है ना। तो कली हमेशा सुबह ही खिलती है, ठीक है ना, इसलिए हमें उसके समय का अंदाजा लग गया कि वो सुबह का समय था, ठीक है ना। तो इसमें सुबह वाले कॉलम में आपको टिक कर, ये एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पे, दो दो बार यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, गली गली, गली गली का मतलब है सारी गलियाँ। फिर अगला शब्द है कली कली, कली कली का मतलब है सारी कलियाँ, ठीक है ना। मतलब अगर दो बार कोई शब्द लिख दिया गया है तो उससे उसके सभी शब्दों का पता होता है। जैसे गली गली में एक गली, गली मतलब एक गली, और गली गली लिख दिया मतलब सारी गलियाँ, ठीक है ना। इस तरीके से शब्द बनते हैं। तो अब नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ये प्रश्न है अपना, अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तो नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उनसे हम वाक्य बनाएंगे। तो पहले उनका अर्थ समझ लेते हैं। तो पहला है घड़ी घड़ी, तो घड़ी घड़ी का मतलब क्या होता है, सारी घड़ियाँ या हर समय, ठीक है ना, जगह जगह मतलब सारे जगह, ठीक है ना, और घर घर का मतलब सारे घर, ओके, और डाल डाल पे सारी डाल या डलियां, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनका अर्थ है, और इनसे हम इनके एक एक वाक्य बनाते हैं। तो पहला है अपना घड़ी घड़ी, तो घड़ी घड़ी से हम वाक्य बनाते हैं। चलिए मैं बना रहा हूं, आपको देखना है कैसे बनाना है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने पहला बनाया हुआ है घड़ी घड़ी, तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रही हो, ये वाला, इस वाले का हमने ये उत्तर लिखा हुआ है, वाक बनाया है, तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रही हो। और दूसरा शब्द है जगह जगह, तो हमने जगह जगह बनाया है, लोग जगह जगह पर थूकने से बाज नहीं आते हैं, मतलब लोग जगह जगह पर थूकने से बाज नहीं आते, मतलब मानते नहीं, जगह जगह पर थूकते रहते हैं, ठीक है ना, जो लोग गुटखा खाते हैं, इस तरीके से ये हम वाक बनाए हैं। अब तीसरा है घर घर, ठीक है ना, तो घर घर का हम बनाते हैं, घर घर का क्या होगा, यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पे क्या है घर घर, तो यहाँ पे देखो मैंने बनाया हुआ है नेताजी के, ये देखो नेताजी के भाषण घर घर पर सुने जाते हैं, ठीक है ना, तो नेताजी के भाषण घर घर पर सुने जाते हैं, इस तरीके वाक बन गया है। एक हम वाक बनाते हैं डाल डाल पर, तो यहाँ हम डाल डाल पे एक वाक बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है बंदर डाल डाल पर कूद रहा है, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम जो शब्द हैं उनके वाक बनाए हुए हैं, तो आप भी ऐसे वाक बना सकते हैं, अपने मन का आप दूसरा भी वाक बना सकते हैं, ठीक है ना, तो यह तो यह भी लिख सकते हैं। अगला है मिलते जुलते शब्द, अगला टॉपिक है मिलते जुलते शब्द, तो यहाँ पे कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली, ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कली से मिलता जुलता क्या है भली, तो ऐसे नीचे प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन में जोड़ो, और कुछ ऐसे भी शब्द अपने मन से बनाने, जैसे बोलो, बोलो से मिलता जुलता कोई शब्द ढूंढना है, बोलो से जैसे खोलो डोलो, ठीक है ना, जैसे तितली से मिलता जुलता शब्द बनाना है मिचली, तो ऐसे कुछ शब्द बनाने हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको बना के बताता हूँ, तो आप भी ऐसे ही लिख लेना, ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बोलो, बोलो से मिलता शब्द शब्द क्या बना है, खोलो तोलो, ठीक है ना, आप भी कुछ भी बना सकते हैं, मैंने बोलो से खोलो और तोलो बनाया, फिर तितली से मितली तिल्ली सुतली, कुछ भी ऐसे शब्द बना सकते हैं, जैसे डाल से मिलते जुलते शब्द क्या बना है, डाल बाल ढाल खाल, कुछ भी आप बना सकते हैं, इस तरीके से आप शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर अपना प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, महके सारी गली गली, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, देखिए यहाँ पहला है महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी, यस, हमें कुछ महक अच्छी लगती है कुछ बुरी भी, तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे, अच्छी लगने वाली महक को हम क्या कहते हैं, फिर दूसरा है बुरी लगने वाली महक को कहेंगे, तो अच्छी लगने वाली महक को हम क्या बोलते हैं खुशबू, और बुरी लगने वाली महक को हम क्या कहेंगे बदबू, तो यहाँ पे लिख लेंगे खुशबू और नीचे में लिख लेंगे बदबू, ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं, तो ये यहाँ पे लिख दिया है अच्छी लगने वाली महक को खुशबू और बुरी लगने वाली महक को बदबू, इस तरीके से हम इनको लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है, अब आपको कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखना है जिसकी तुम्हें महक पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है महक, तो एक पहला वाला कॉलम जो बॉक्स बना है इसके अंदर आपको पसंद है, दूसरा वाले का पसंद नहीं है, तो पहले वाले कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं जिसमें आपको पसंद है, तो आपको कौन कौन सी महक पसंद है, फूलों की महक पसंद हो सकती है, खाने की महक पसंद हो सकती है, किसी अच्छे जो नहाने वाले साबुन की खुशबू पसंद हो सकती है, ठीक है ना, कॉफी की खुशबू पसंद हो सकती है, ऐसे चार लिखने हैं, तो आप यहाँ पे चार के नाम लिख लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ जिनकी खुशबू पसंद है, आप अपने मन की जो भी जिसकी खुशबू आपको पसंद आती है उनकी यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए मैं लिख रहा हूँ कुछ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है पसंद वाली चीजों में कौन कौन सी पसंद है, जैसे चमेली की फूलों की, नहाने की साबुन की, कॉफी की, खाने की, तो आपको जिस चीज जिसकी महक जिसकी खुशबू पसंद है, ठीक है ना, जिन चीजों की महक पसंद है वो आप यहाँ अपने मन से भी लिख सकते हैं, मैंने कुछ लिखा है तो आप इसकी भी मदद ले सकते हैं। अगला है पसंद नहीं है, तो कौन सी चीज की महक पसंद नहीं है, तो पहला हमने लिखा पसीने की, दूसरा है कूड़े की, ठीक है, मरे हुए जानवर की भी हो सकती है, अगला है सड़े हुए फलों की,
ठीक है ना, या कुछ भी जो आपको जिसकी महक नहीं पसंद है, जो बदबू करता है उसकी महक नहीं पसंद होती है, तो वो भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे फूलों के नाम लिखने हैं जो आपके घर के आसपास हैं, उनके नाम लिखने हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, गुलाब, गेंदा, ठीक है ना, मोगरे। तो आप जो जो भी आपके आसपास जो भी फूल के नाम है वो यहाँ पे लिख देने हैं आपको। यहाँ पर फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखना, जो अपनी भाषा में इनको पुकारते हो। अगला है, तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से आती है, ऐसे तो आपको कुछ लिखने हैं जैसी जैसी महक आपके घर से आती है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, जैसे खाने तथा सरसों के तेल की रसोई घर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, खाने तथा सरसों की तेल की रसोई घर से, इत्र तथा फिनाइल की कमरे से आ सकती है, और फूलों की बगीचे से आ सकती है। आपके जो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हैं वहां से आ सकती है, बाहर से, ठीक है ना। तो अगर कोई घर में काम होता है तो उस तरीके की महक आ सकती है। तो जो भी आपके घर में जिसकी जिसकी महक आती है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना शीर्षक है तुम्हारी बात। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो प्रश्न लिखा हुआ है, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी, तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी, क्यों? तो आज इसमें यही पूछा गया है कि तुम्हारी बात, तुम किस काम पे जाग जाते हो, किस काम पे जागते नहीं हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक कॉलम में लिखा है जागेंगे नहीं जागेंगे, तो किसके किसके लिए जागते हैं? खेलने के लिए जाग जाते हैं, खाने के लिए जाग जाते हैं, और कहीं हमें घूमने जाना हो उसके लिए जग जाते हैं, तो कार्टून फिल्म देखना हो, टीवी देखने के लिए हम जग जाते हैं, स्कूल जाने के लिए जग जाते हैं, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। और जिसमें नहीं जगते हैं, बाजार से सामान लाने के लिए नहीं जगते हैं, ठंडे पानी से नहाना हो तो नहीं जगते हैं, होमवर्क करना हो तो नहीं जगते हैं, जो जो आप आपको जो जिसमें पसंद हो, आप जिसमें जाग जाते हैं तो अच्छी बात है, तो वो जागने वाले लिखोगे, नहीं जागते हो तो वो वाले लिखना है आपको, ठीक है ना, जल्दी जागने के। तो मैं कुछ लिखे देता हूँ तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, वहाँ से लिख लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये लिख रखा है, जागेंगे खेलने के लिए, पार्क की सैर के लिए, टीवी देखने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं? जग जाते हैं, जल्दी जग जाते हैं। नहीं जागेंगे, बाजार से सामान लाने के लिए, सर्दियों में ठंड पानी से नहाने के लिए, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है तो नहीं जगते हैं, होमवर्क करने के लिए नहीं जगते हैं, और बड़ों की मदद के लिए नहीं जगते हैं अगर हमें जगना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसके उत्तर लिखेंगे, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे अगले प्रश्न में, जहाँ पे अब शीर्षक है रंग बिरंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो यहाँ के लिखा हरी डाल, मतलब डाल कैसी हरी थी, पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। अब नीचे कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है, नीचे लिखी चीजों के किन किन रंगों की हो सकती है। अब नीचे कुछ जो शब्द लिखे हुए हैं, जो चीजें लिखी हुई हैं, उनके आपको रंग बताने हैं, किस किस रंग की होंगी। तो तितली, तितली किस रंग की होती है? तितली कई रंग की होती है, तो हम आपने जिस जिस रंग की देखी हो तो उस रंग की लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं लिखे दे रहा हूँ, तितली किस रंग की लिखे दे रहा हूँ? तितली गुलाबी रंग की लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे गुलाबी रंग की, ठीक। चलिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं गुलाबी रंग की, इस तरीके से गुलाबी तितली। बैंगन, बैंगन किस रंग का होता है? तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है गुलाबी तितली, तितली रंग कैसा होता है? गुलाबी। बैंगन का रंग बैंगनी। पेंसिल का रंग क्या हो सकता है? काली भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, और वो तो पेंसिल कई कलर की आती है, तो यहाँ पे ज्यादातर हम किसका उपयोग करते हैं? काली पेंसिल, तो काली लिख दिया। कुर्ता, कुर्ता भी कई रंगों का हो सकता है, लाल हो सकता है, सफेद हो सकता है, पीला कुर्ता हो सकता है, तो अब लाल कुर्ता जो मन आए आप वो ले सकते हैं। हमने यहाँ संतरा, संतरा कैसा होता है? नारंगी या संतरी रंग का, तो हमने लिख दिया नारंगी संतरा। सूरजमुखी, सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? पीले रंग का।
या पीली कुछ भी ले सकते हैं। लड्डू कैसा होता है? पीले रंग का। प्याला भूरा भी होता है, सफेद, तो हमने यहाँ पे सफेद रंग का प्याला रख दिया है, ठीक है ना। साग, साग किस रंग का होता है? हरा रंग का, तो हरा लिख दिया है। और मिट्टी, मिट्टी काली भी हो सकती है, भूरी भी हो सकती है, तो हमने यहाँ पे काली मिट्टी लिख दिया है। तो इस तरीके जो कोई भी चीजें होती हैं उनके रंग कैसे होते हैं, कैसे आपने देखी है, तो उनके रंग यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने रंग लिख दिए हैं, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं, इस तरीके से आप इनको लिखोगे, ठीक है ना। तो आज की एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।